हे गाइस, दिस इज गुलफशा परवीन, यू आर वॉचिंग अल केमिस्ट ट्यूटोरियल ऑल यू नीड टू नो। देखिए, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग थ्योरली डिस्कशन करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लोकेशन क्या होता है, हिस्टोलॉजी, फंक्शन और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज है, आज सभी चीजें हम इस सेशन में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट है। अगर हम लोग एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो वो लीवर होता है। अब इसकी वेट की बात करते हैं। वेट इसका होता है 15-20 ग्राम इन एडल्ट्स में होता है। इसका कलर जो होता है ये ब्राउनिश रेड कलर की होती है और इसका जो शेप होता है वो एच शेप, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो जो टाई होती है उस शेप की होती है। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की, लोकेशन की और उसकी हिस्टोलॉजी की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड, देखिए, इस पार्ट पर लोकेटेड है। ये बिल्कुल नेक के पास होता है और इसमें देखिए ये दो शेप की होती है। एक ये लोब है, मतलब इसके जो लोब होते हैं वो दो होते हैं, एक ये लोब है और एक ये लोब है। और ईच लोब पर दो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, एक ये पैराथायराइड ग्लैंड है और एक ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये देखिए दोनों। और ये जो दो लोब हैं वो देखिए एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ये इस्थमस टिश्यू से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इस्थमस टिश्यू से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा स्फेरिकल शेप क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। और इस स्फेरिकल शेप फॉलिकल होता है, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें तीन टाइप की सेल्स होती हैं। एक फॉलिकुलर सेल होती है, दूसरी पैरा फॉलिकुलर सेल होती है और तीसरी कोलाइड सेल होती है। इसको हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है ये एक थायराइड ग्लैंड का है, लेकिन इसको कैसे देखा गया है, माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा जाता है तब ऐसा डायग्राम दिखाई देता है थायराइड ग्लैंड का। अब देखिए, इसकी हिस्टोलॉजी पूरी आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखिए तीन टाइप की सेल होती है, एक होती है फॉलिकुलर सेल, दूसरी होती है पैरा फॉलिकुलर सेल, तीसरी होती है कोलाइड सेल। फॉलिकुलर सेल को हम लोग एफ सेल भी कहते हैं। अब ये जो एफ सेल होती है, नॉर्मली उसका शेप क्या होता है, उसका शेप होता है क्यूबॉइडल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ फॉलिकल, ये सारी चीजें हो गई। अब ये क्या होता है, इसमें क्या स्मॉल एपिकल वेसिकल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये आयन को ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरा काम क्या होता है, ये थायरोग्लोबुलिन होता है उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। इसमें दूसरी सेल जो होती है उसे बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल, या फिर इसे सी सेल भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी थायरोसाइट सेल होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है। तो उसे सिक्रीट करने का वर्क कौन करता है, सी सेल करती है। इसके अलावा ये क्या होती है, जो सी सेल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होती है, सेपरेटेड की जाती है। अब इसमें क्या होते हैं, और बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। इसके बाद थर्ड बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड क्या होता है, एक विस्कस जेल होता है। अब ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, इसके अंदर एक जेल भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलाइड। ये कैसा होता है, एक विस्कस जेल होता है। इसमें क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा जो भी आयोडीन होते हैं, आयोडिनेटेड थायरोग्लोबुलिन होता है इसके अंदर, आयोडिनेटेड थायरोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। ये तो इसकी हिस्टोलॉजी की बात हो गई। आगे हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। किसी भी एनिमल की बॉडी में थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। देखिए, थायराइड ग्लैंड से ही बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लाइक T3, T4, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है, ये सारा चीजें थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो इसका यही मेन फंक्शन तो यही है, ये प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन, जो T3 और T4 इसका हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। इसके अलावा ये पेप्टाइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन को भी सिक्रीट करता है। अब थायराइड हार्मोन और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है BMR। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है या फिर थायराइड हार्मोन है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे स्केलेटल ग्रोथ पर होता है। जो भी हमारी स्केलेटल ग्रोथ होती है वो टोटली डिपेंड करती है थायराइड ग्लैंड पर। इसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उस पर इनका कम इफेक्ट होता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का वर्क भी थायराइड ग्लैंड करती है। और उसके अलावा क्या करती है, बहुत सारे अदर फंक्शन लाइक बॉडी वेट, बॉडी टेम्परेचर,
मसल स्ट्रेंथ, और जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी यही रेगुलेट करता है। तो थायराइड ग्लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। अब हम लोग जानते हैं थायराइड से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रीट होती हैं उनकी एक फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है। फिक्स अमाउंट में ही वो अगर सिक्रीट हो वही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अगर वो फिक्स अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट हो या कम सिक्रीट हो तो बहुत ज़्यादा हम लोगों में डिसऑर्डर हो जाता है और बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड जो थायराइड हार्मोन है, अगर कम सिक्रीट होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे कई टाइप की डिसीज हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। क्रेटिनिज्म हो जाती है, सिंपल गोइटर हो जाता है, हाशिमोटोज डिसीज हो जाती है। और अगर थायराइड जो हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे भी कई तरह की डिसीज हो जाती हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि गोइटर है, ग्रेव डिसीज है, ये सारी डिसीज हो जाती हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग डिसीज से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, उससे उसका थ्योरली हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हर एक डिसीज को अच्छे से जानेंगे कि किससे क्या सिम्टम्स होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।